मांग तब भी नहीं पूरा की जाती है तो हम लोग पूरे बिहार में अब तालाबंदी कर देंगे, पूरे बिहार के शिक्षक हड़ताल पे चले जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं मगध संवाद यूट्यूब चैनल। आज की ताजा व बड़ी खबर नियोजित शिक्षकों के लिए, नियोजित शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर। एक बार फिर से बिहार के नियोजित शिक्षक करेंगे आंदोलन, पटना में घेरेंगे विधायक आवास, शिक्षक करेंगे हड़ताल, स्कूलों में होगी तालाबंदी। आंदोलन का रूपरेखा हुआ तैयार, बिहार शिक्षक समन्वय समिति ने किया ऐलान। अब पूरी खबर विस्तार से। एक बार फिर से अपनी मांगों को लेकर बिहार के नियोजित शिक्षक सड़क पर उतरने के लिए जहां तैयार हैं, वहीं स्कूलों में तालाबंदी कर हड़ताल करने के लिए मन बना चुके हैं। बता दें कि बिहार के नियोजित शिक्षक सरकार से अपनी मुख्य मांग समान काम समान वेतन व सेवा शर्त को लेकर संघर्षरत हैं। इधर बताते चले कि एक बार फिर से बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के द्वारा पटना में 25 नवंबर को आंदोलन करने का ऐलान किया गया है। समन्वय समिति के अध्यक्ष मंडल व बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष आनंद कौशल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आज इस बात का भी ऐलान किया कि सरकार नियोजित शिक्षकों के साथ साजिश कर रही है, हमारी मुख्य मांग को दरकिनार कर शोषण कर रही है। बिहार सरकार शिक्षकों को अपमानित करने की काम कर रही है, शिक्षक परेशान है। श्री कौशल ने कहा कि बिहार के सभी शिक्षक संगठन एकजुट होकर सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारी मांग को पूरा करें, लेकिन निरंकुश सरकार सिर्फ शिक्षकों को अपमानित करने के काम कर रही है। उन्होंने कहा कि अपनी मांगों को लेकर शिक्षक पहले भी सड़क पर उतर चुके हैं, अब 25 नवंबर को पटना में विधायक और विधान परिषद के आवास पर शिक्षक अपनी मांग पत्र सौंपेंगे। अगर फिर भी हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो बिहार के लाखों शिक्षक विद्यालय में तालाबंदी कर हड़ताल करेंगे। जो वर्तमान सरकार है वो उनका एक सूत्री कार्यक्रम है पूरे बिहार में शिक्षक को अपमानित करना। हम लोग परेशान हो जाए, हम लोग 3 महीने से सड़क पे आंदोलन कर रहे हैं बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के बैनर के नीचे। सभी बिहार के संगठन 28 संगठन एकजुट हो चुके हैं, एक मंच पर आ चुके हैं और सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि हमारी जो मांग है उसको पूरा कर दीजिए, लेकिन यह निरंकुश सरकार हमको सिर्फ अपमानित करे। इसलिए अब हम लोग फिर से एक बार सड़क पर आंदोलन के लिए एकत्रित हो चुके हैं और 25 नवंबर को पटना में जितने भी विधायक हैं, माननीय विधायक, माननीय विधान परिषद, सबके आवास पर लाखों शिक्षक धरना देंगे और मांग पत्र सौंपेंगे। अगर हमारी मांग तब भी नहीं पूरा की जाती है तो हम लोग पूरे बिहार में अब तालाबंदी कर देंगे, पूरे बिहार के शिक्षक हड़ताल पर चले जाएंगे। इसलिए हम आज यहाँ एकत्रित होकर सरकार को संदेश देने आए हैं कि हमारी मांग पूरा कर दीजिए, राजनीति शिक्षक के साथ बंद कर दीजिए।